जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को इंडियन आर्मी के फाइनल रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इंडियन आर्मी के फाइनल रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी इंडियन आर्मी का फाइनल रिजल्ट निकाला जा चुका है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पेपर हो गया है या पेपर होने वाला है या सेकेंड फेज में आपका दौड़ होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि मतलब जहां का रिजल्ट निकाला गया है कितना सीट जीडी में है और कितना सीट टेक्निकल में है, कितना सीट ट्रेडमैन में है, सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। और इससे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर मैं एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे थे, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। मैं आप लोगों से बताया था कि 15 सितंबर से पहले इंडियन आर्मी का फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। और देखो 15 सितंबर से पहले मतलब कल शाम को 14 तारीख को शाम को फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया। दो जगह का निकला है, ठीक है ना, एक श्रीनगर का निकला है और एक फिरोजपुर का निकला है। तो पहले श्रीनगर का देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखा रहा हूं। अभी देखो ये जो आर्मी जीडी है ना श्रीनगर में, आर्मी जीडी के लिए 34 लोगों को फाइनल सलेक्शन किया गया है। अब बहुत सारे लोगों को पेपर में पास कराया गया होगा, बहुत सारे लोग दौड़ निकाले होंगे, मेडिकल फिट हुए होंगे, लेकिन सिर्फ 234 लड़कों को भर्ती किया गया है आर्मी जीडी में, श्रीनगर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेक्निकल में सिर्फ 11 लोगों को भर्ती किया गया है और ट्रेडमैन एक 10 पास वाली भर्ती होती है और एक 8 पास वाली भर्ती होती है। तो जो ट्रेडमैन 10 पास वाली भर्ती है मतलब श्रीनगर में 10 पास वाली ट्रेडमैन में सिर्फ 16 लड़कों को सिलेक्शन दिया गया है और 8 पास वाले में सिर्फ 2 लड़कों को सिलेक्शन दिया है। तो ये श्रीनगर वाला था, ठीक है ना। अब चलते हैं फिरोजपुर का देख लेते हैं। ये रहा फिरोजपुर जो पंजाब का है, ठीक है ना। तो यहां पर आर्मी जीडी में 526 लड़कों को भर्ती किया गया है। तो ये तो काफी अच्छा खासा भर्ती किया गया है, इतना तो हमारे भी यारों में भर्ती कराया जा सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर में थोड़ा कम वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन देखो फिरोजपुर में मतलब 526 लोगों को आर्मी जीडी में भर्ती किया गया है और टेक्निकल में सिर्फ 3 लोगों को भर्ती किया गया है। तो टेक्निकल का रेशियो बहुत कम है, ठीक है ना। उसके बाद से ट्रेडमैन में 4 लड़कों को भर्ती किया गया है 10 पास वाले में, और यहां देखो 8 पास वाले में ट्रेडमैन में सिर्फ 1 लड़कों को, 1 लड़के को भर्ती किया गया है। शायद इसमें ज्यादा लोग फार्म नहीं भरे होंगे, क्योंकि मतलब सभी का उम्र 21 साल कर दिया गया है ना, तो कौन जाएगा 8 पास से ट्रेडमैन में फार्म भरने। तो इसलिए फिरोजपुर में सिर्फ 1 लड़के को ट्रेडमैन में भर्ती किया गया है। अभी चलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये देखते हैं कि मतलब जैसे जो हम लोग का रोल नंबर रहता है तो कितना रोल नंबर के बाद जैसे किस लड़के का सिलेक्शन हुआ है। ये रहा ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट। गूगल पर जाकर जब ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखकर सर्च मारोगे ना तो आपको एक कैप्चर कोड भरना पड़ेगा, और जैसे ही कैप्चर कोड भरकर इंटर करोगे तो आपके सामने ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहां पर देखो लिखा गया है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए हम लोग को फाइनल रिजल्ट पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने जगह का, दो जगह का रिजल्ट निकाला गया है ना, तो यहां पर दोनों जगह का नाम दे दिया है। देखो 14 सितंबर 2023, 14 सितंबर 2023 है। तो ये दोनों रिजल्ट 14 सितंबर 2023 को निकाला गया। तो पहले वाले पीडीएफ को क्लिक करते हैं। देखो पहला वाला पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब देखो इसमें किस तरह से भर्ती किया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो। जैसे ये जो रोल नंबर है लास्ट में 12 है ना, तो 12 जैसे रोल नंबर है, फिर लास्ट में 59 आ गया है। अब देखो कितना ज्यादा गैप है, 12 पर से सीधे 59 आ गया है, उसके बाद से 60 आया है, उसके बाद से 61 आया है, उसके बाद से 65 आ गया है, उसके बाद से 102 आया है, उसके बाद से 110 आया है, उसके बाद से 114 आया है, उसके बाद से 121 आया है। तो ये देखने को मिल रहा है मतलब 5 लड़के को छोड़कर, 10 लड़के को छोड़कर ऐसे फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला गया है, ऐसे सिलेक्शन हुआ है। और ये पता है कितना पेज होगा, एक पेज में जैसे 117 लड़कों का नाम है और ये दो पेज है, ठीक है ना। तो 234 लड़के जीडी में हो गए, और यहाँ पर देखो दिया है टेक्निकल का, तो टेक्निकल में यहाँ पर हो गए आपके 4, 4, 8 और 10, 10, 11 लड़के टेक्निकल में हो गए, और यहाँ पर दिया है 10 पास ट्रेडमैन का। तो 10 पास ट्रेडमैन में यहाँ पर 5, 15, 16 लड़के ट्रेडमैन में हो गए, और यहाँ पर 8 पास ट्रेडमैन का दिया है, देखो सिर्फ 2 लोगों को भर्ती किया गया है। इसका रिजल्ट आप लोग देख चुके हो, अब फिरोजपुर का रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे ही फिरोजपुर वाले पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर रोल नंबर 4 दिया है, उसके बाद से 5 दिया है, उसके बाद से 9 दिया है, उसके बाद से सीधे 34 दे दिया है, उसके बाद से 37 है, उसके बाद से 54 है, उसके बाद से 62 है, उसके बाद से 63 है, उसके बाद से 65 है। तो मिला जुला कर अधिक से अधिक 10 लड़कों या 15 लड़कों के बाद एक लड़के
का सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर काफी सारे लड़कों को जीडी में भर्ती किया गया है। ये देखो इतने सारे लड़के सिलेक्शन ले चुके हैं, तो इन सभी साथियों को हमारे और हमारे सभी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप सभी भाई बॉर्डर पर जाएं, अच्छे से अपना ड्यूटी करें, अच्छे से ट्रेनिंग व्रेनिंग करें और पैरा कमांडो में जाएं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अग्निवीर टेक्निकल का दिया है फिरोजपुर का, तो फिरोजपुर में सिर्फ 3 ही लड़कों को टेक्निकल में भर्ती कराया गया है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3 सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्शन मिला है और फिरोजपुर में जो ट्रेडमैन की भर्ती है 10 पास वाला, तो 2, 2, 4 लोगों को भर्ती किया गया है और 8 पास वाले में सिर्फ 1 लड़के को भर्ती किया गया है। तो ये फिरोजपुर का रिजल्ट था, ठीक है ना। जो कुछ भी था मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब जितने लोगों का रिजल्ट आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, उन सभी भाइयों को तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन जितने लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ मेरे भाई। उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, जीत हार होती रहती है। हम लोग अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं ना, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा। इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार होगा, इसलिए आप लोगों को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। और जितने यारों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो बहुत जल्द उन लोगों के यारों का रिजल्ट आ जाएगा। 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जितने लोग का रिजल्ट आ चुका है, इन लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो अब देखते हैं, जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता दूंगा। चलो ठीक है, आप सभी लोग पढ़ाई में लगे रहो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे मेरे भाई, उदास नहीं होना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।